एनवी न्यूज, रे ऑफ पॉजिटिविटी। साल 1987 में आई अनिल कपूर और श्रीदेवी की सुपरहिट फिल्म मिस्टर इंडिया इन दिनों सीक्वल के चलते चर्चा में है। इस बार मिस्टर इंडिया का नाम होगा मिस्टर इंडिया ट्रायलॉजी। इस फिल्म का निर्देशन करेंगे टाइगर जिंदा हैं। सुल्तान और भारत जैसे फिल्मों का निर्देशन करने वाले अली अब्बास जफर। फिल्म की शूटिंग कब से शुरू होगी, फिल्म की स्टार कास्ट क्या होगी और इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, इस तरह के ढेरों सवाल फिल्म को लेकर फैंस के मन में हैं। मिस्टर इंडिया ट्रायलॉजी की स्टार कास्ट को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इस बीच फिल्म मेकर अली अब्बास जफर ने खुद ही इससे जुड़े सवाल का जवाब दिया, जिसके बाद थोड़ा थोड़ा तो फिल्म की स्टार कास्ट का अंदाजा लगाया जा सकता है। दरअसल टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में अली अब्बास जफर ने कहा कि अगर मिस्टर इंडिया ट्रायलॉजी में श्रीदेवी की बेटी जानवी कपूर होगी तो इसे देखे बोनी कपूर खासा खुश होंगे। इसके बाद जब मिस्टर इंडिया ट्रायलॉजी के लीड एक्टर को लेकर सवाल पूछा गया कि क्या अर्जुन कपूर मुख्य किरदार निभाते दिख सकते हैं, इस पर जवाब देते हुए अली ने कहा कि अभी तक फिल्म की स्टार कास्ट फाइनल नहीं हुई है। मिस्टर इंडिया ट्रायलॉजी को लेकर अली अब्बास ने बताया कि इस फिल्म को लेकर बोनी कपूर और जी के बीच सहयोग होगा। हम लोग इंडिया के साथ साथ विदेश में भी इसकी शूटिंग करेंगे। यह एक SCIFI फिल्म होगी जिसका बिग बजट और हाई प्रोडक्शन वैल्यूज के साथ तैयार किया जाएगा। हम लोग इस बार एक एक किरदार को बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाने वाले हैं। इस फिल्म को अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों के साथ बनाया जाएगा। साथ ही ये अनिल कपूर वाली मिस्टर इंडिया से एकदम अलग होगी। बहुत लोगों का कहना है कि इस फिल्म में अगर जानवी कपूर को लिया जाता तो वो इस फिल्म में सबसे ज्यादा जचेंगी, क्योंकि श्रीदेवी की झलक उनसे मिलती है और वह इस फिल्म में सबसे ज्यादा सही बैठेंगी। खैर, ये सब तो स्टार कास्ट का ऐलान होने के बाद ही साफ हो पाएगा।